हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोमा और मेरे चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। आज मैं एक मिठाई का रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम लैंगचा। ये कोलकाता का एक फेमस स्वीट है। ये मोस्टली छेना से बनता है, बट मैं आज स्वीट पोटैटो या शक्करकंदी से बना के दिखाऊंगी। टेस्ट ऑलमोस्ट गुलाब जामुन के जैसा ही है, बट सिर्फ अलग है थोड़ा। फ्रेंड्स, आज का रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देखते हैं मैं स्वीट पोटैटो का लैंगचा कैसा बनाती हूँ। मैंने 3 स्वीट पोटैटो या शक्करकंद लिया, इसको बॉईल करके लिया, फिर इसको छिलका निकल के मैशर से या ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। स्वीट पोटैटो को मैश कर लिया, अभी इसमें डालूँगी 2 स्पून मिल्क पाउडर। टू स्पून मैदा, पहले 2 स्पून डाला, अभी बाद में लगेगा तो और थोड़ा डालूंगी। डो को रेडी कर लिया, मैं और 1/2 स्पून मैदा डाला और 1 स्पून मिल्क पाउडर डाला। टोटल मैदा डाला 2.5 स्पून एंड मिल्क पाउडर डाला 3 स्पून। फिर एक सॉफ्ट डो रेडी कर लिया। डो को थोड़ा आपको स्टिकी स्टिकी लगेगा, बट ये नॉर्मल है, डोंट वरी। और स्वीट पोटैटो ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये इतना नरम रहता है ना, बाद में शेप देना मुश्किल हो जाएगा। स्वीट पोटैटो का लैंगचा बनाने के लिए पहले एक शुगर सिरप रेडी करेंगे हम। पैन में मैं 1 कप पानी डाल दिया और 1 कप शक्कर दिया। शक्कर मेल्ट होने के बाद 10 मिनट तक इसको बॉईल होने देना। इसमें डाल दिया 2 इलायची। शुगर सिरप रेडी हो गया, हमें एक पतला सा सिरप चाहिए। देखिए ऐसा स्टिकी स्टिकी रहेगा, तभी समझ जाना ये रेडी हो गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, स्वीट पोटैटो का एक डो बनाएंगे लैंगचा के लिए। डो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हाथ में मैं घी ब्रश कर लिया। अभी एक एक बॉल लेके पहले राउंड करूंगी, फिर लैंगचा का शेप दूंगी। लैंगचा नॉर्मली ऐसा लंबा शेप का ही होता है, आप चाहो तो गुलाब जामुन का शेप भी दे सकते। सारे डो से लैंगचा का शेप दे दिया, अभी ये फ्राई होने के लिए रेडी है। लैंगचा फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में ऑयल गरम कर लिया, अभी इसमें 1 स्पून घी डालूंगी अच्छा स्मेल आने के लिए। घी मेल्ट हो गया, अभी इसमें मैं लैंगचा को डाल दूंगी एक एक करके। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखा है, इसको लो गैस में फ्राई करना है, नहीं तो ऊपर से कलर तो आ जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा लैंगचा। लैंगचा फ्राई हो चुके हैं, अभी इसको मैं निकाल लूंगी। सारे लैंगचा को फ्राई कर लिया, अभी इसको शुगर सिरप के अंदर डालेंगे। शुगर सिरप हल्का सा गर्म है, अभी इसमें मैं एक एक करके डाल दूंगी। फिर शुगर सिरप में मिनिमम 2 घंटा रख दूंगी, तब तक ये पूरा सोक कर लेगा। लैंगचा रेडी हो गया है, पूरा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर लिया, परफेक्ट है अभी ये। अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन बाकी है, आप चाहे तो यही स्टेज पे लैंगचा को खा सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट डालूंगी। अभी एक रेडी लैंगचा ले लिया, अभी इसके ऊपर से लंबा सा एक काट करूंगी, पूरा डीप तक नहीं करूंगी, थोड़ा सा। फिर इसमें खोया डालूंगी, ये होममेड खोया है।
इसके ऊपर थोड़ा बादाम स्प्रिंकल करूंगी। फ्रेंड्स ये टोटली ऑप्शनल है, मेरा पसंद है करके मैं ऐसा गार्निशिंग कर रही हूँ। और ऊपर से थोड़ा टूटी फूटी डाल दिया इसमें। अभी ये टोटली रेडी है, सेम प्रोसेस में मैं बाकी का भी करके फिर दिखाती हूँ। सो लैंगचा इज रेडी एंड सर्व, एक डिलीशियस एंड माउथ वाटरिंग रेसिपी है। देखिए कितना सॉफ्ट एंड जूसी है ये। ये छेना से नहीं बना बट इसका टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक है। एंड फ्रेंड्स प्लीज ट्राई दिस एट होम, आई प्रोमिस यू दैट इट इज वेरी इजी टू मेक। एंड प्लीज कॉमेंट, होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।